कोरोना जैसा एक आध और आएगा, इन भगवानों का भगवान बन जाएगा और आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये पंडे और पुजारियों का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग सेक्टर है। ये अपनी दुकान से अंधविश्वास और पाखंड बेचते हैं। पंडे पुजारियों से लड़नी होगी जो इस देश में अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं। लेकिन पाखंड का गुरु मत बनिए, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाला गुरु मत बनिए, झूठ बोलने वाला गुरु मत बनिए, धोखा देने वाला गुरु मत बनिए, तो वहां द्रौपदी को नंगा नचाया ही जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर किसी एक व्यक्ति एक धर्म की बपौती नहीं है। मूत्र को नहीं पियोगे तो वो धर्म का और साथ में उस पद्धति का जो आयुर्वेद की पद्धति है उसका भी अपमान होगा। साथियों जय भीम जय भारत। आज 13 अप्रैल 2020 को हम अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल की संध्या पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि देश ही नहीं पूरा संसार आज जिस स्थिति में कोरोना नाम की डिसीज से पीड़ित है, भयभीत है, सशंकित है, इसे से लड़ने के लिए सरकार और WHO के जो दिशा निर्देश हैं उन्हें मानते हुए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को बहुत खुशी के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लेकिन हमारा हर्ष और उल्लास इस बात का अनुशासित रहे कि हम भारत के वो नागरिक हैं जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की सरकार के दिशा निर्देश जो सबके लिए सबजन हिताय सबजन सुखाय जो आज जरूरी है। आज किसी बहुजन की बात नहीं की जानी चाहिए, आज की जानी है, क्योंकि अगर हम सभी लोग सुरक्षित होंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हम बहुत उत्साह के साथ खुशी के साथ अपने घर में रहते हुए और सामाजिक दूरी जिसे कहते हैं सोशल डिस्टेंस उसको मेंटेन करते हुए हम इसको मनाएंगे। और हम किसी भी तरह का द्वेष राग किसी भी तरह का अपने मन में न रखते हुए भारत के हर नागरिक को और विश्व के हर नागरिक को हम ये संदेश दें कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने और समझने वाले लोग कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कितना मानवता में विश्वास करते हैं, कितना अनुशासन प्रिय हैं। ये वक्त है, हमें इस बात को दिखाने का ये मौका है, हम इसे दिखाएं। साथियों आज संसार जिस पीड़ा से पीड़ित है, जिसका हम कोरोना COVID-19 के नाम से हम इसे जान रहे हैं, इसके लिए WHO ने जो दिशा निर्देश दिए हैं भारत की सरकार उसको पालन कराने में, स्थानीय प्रशासन पालन कराने में जो आपसे वांछित उम्मीदें करता है आप उस पर खरे उतरें, ये मैं हर भारत के नागरिक से आशा करता हूँ। मैं जानता हूँ और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश विषम परिस्थितियों के साथ में एक ऐसी स्थिति में और भी है कि लोग आगे इस बीमारी के डर से या बीमारी से मरें या उससे पीड़ित हों उसके साथ में हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था से भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो गरीबों का जो हाल है, आज पहले एक कहा जाता था कि आपकी लोअर इनकम ग्रुप की एक आधार है, लेकिन अब आज के समय में लोअर इनकम ग्रुप का आधार नहीं रहा है। गांव में रहने वाला किसान, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति और गांव में नहीं शहरों में भी रहने वाला, मलिन बस्तियों में रहने वाला, अन्य छोटे छोटे कामों में लगा हुआ व्यक्ति, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे थ्री व्हीलर चलाने वाला हो, आज सभी लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि कल क्या होगा और कल क्या हो में क्या हमें रोजी रोटी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात, रोजी तो इस समय बंद है, रोटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, यही एक परीक्षा की घड़ी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हमको, हमारी सरकार को इतना मजबूत बनाता है कि बिना किसी अमानवीय काम को किए हुए, बिना किसी अमानवीय तरीके से सरकार को ये, हम अपने देश की जनता को ये बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और उस ज़रूरत में हमारा संविधान किस तरह से हमें सहयोग करता है। ये वही संविधान है और इस संविधान की यही विशेषता है जिसके कारण संसार का सबसे सर्वोच्च संविधान इसको माना जाता है और ये संविधान की कसौटी है जिस पर हमें खरा उतरना है। साथियों मैं उन माताओं से बहनों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ जिन्हें
सदियों से पीड़ित इस बात के लिए रखा गया कि उन्हें शिक्षा से दूर रखा। शिक्षा के दूर रहने के कारण वो नहीं समझती हैं कि किन परिस्थितियों में भाग्य और भगवान के पीछे पड़ के वो अपने विचारों को उसी सीमा तक जोड़ के रखती हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये वक्त वो नहीं है कि अंधविश्वास और पाखंड के उसमें आप आए। आप सरकार के द्वारा बताए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं उन्हें माने, और अगर नहीं मानेंगी तो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर ये घातक तो होंगे ही होंगे, लेकिन समाज के लिए भी घातक हैं, देश के लिए भी घातक हैं, और अब ये देश और समाज के लिए पूरे संसार की मानवता के लिए घातक होंगे। इसलिए पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जन्मदिन को आप एक आत्मचिंतन के तौर पर मनाएं कि देखिए वो महर्षि जिसने हमारे देश को एक संविधान दिया और हमने उसका कितना सम्मान किया है, हमने कितना उसे आदर्श माना है, हमने कितनी उसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया है, ये वो परीक्षा की घड़ी है सरकार के लिए भी। सरकार भी ये सोचे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो उम्मीदें इस संविधान के साथ में जोड़ के हमारे देशवासियों को दी थी, हमारे देश को विकसित करने के लिए जो प्रारूप तैयार करने की बात की थी उसे नहीं माना गया, और उसका परिणाम है कि आज हम किस स्थिति में है, इसके लिए बहुत कुछ हमारी शासन प्रणाली और हमारे सत्ता में रहे लोगों की नियत के ऊपर निर्भर रहा है। साथियों, ये वक्त ऐसा है जिसमें हम घृणा के दौर में गुजर रहे हैं। यहाँ कोई भी बीमार होता है और उस बीमार को धर्म के नाम से, जाति के नाम से पहचान करके, उसको आइडेंटिफाई करके पूरे समाज में बताया जा रहा है, ये गलत है। ये गलत और विशेषकर तब और गलत हो जाता है जब सरकार के नुमाइंदे स्वयं इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करते हैं, मीडिया के लोग इस बात को प्रचारित करते हैं कि देखिए किस धर्म के लोग, किस जाति के लोग किस तरह से अशिक्षित व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस पूरे संसार में फैलने की कगार पर और ज़्यादा भारत में स्थिति को खराब कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि हर जमात के लोग, हर मजहब के लोग, सबको मौत का डर सताता है, और अगर ये मौत का डर नहीं सताता होता तो ये पाखंड फैलाने वाले लोग, चाहे मुल्ला हों, मौलवी हों, चाहे पंडे हों या पुजारी हों, चाहे धर्म के कोई भी ठेकेदार हों, आज सब अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में और मंदिरों में ताला डाल के अपने सुरक्षित रह रहे हैं। वो लोग जो कल तक ऊल जलूल कभी भी अपने प्रचार करते थे, ये करने पर ऐसा हो जाएगा, इस तरह की, हम ये नहीं कहते हैं, आयुर्वेद बहुत अपने आप में सशक्त एक साइंस है, और आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, किसी भी यूनानी पैथ में भी अगर कोई कोरोना वायरस की मेडिसिन ईजाद होती है तो स्वाभाविक है पूरा संसार उसे स्वीकार करेगा, लेकिन वक्त आने पर उसके ऊपर प्रैक्टिकल किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट किए बगैर कुछ भी ऊट पटांग अपनी तरफ से अपने वक्त दीजिए और कहिए कि ये धर्म के नाम पर ये है, और अगर नहीं मानोगे, अगर इस मूत्र को नहीं पियोगे तो वो धर्म का और साथ में उस पद्धति का जो आयुर्वेद की पद्धति है उसका भी अपमान होगा, ये सब बातें गलत हैं। और इस तरह से जो कर रहे हैं लोग, जो प्रचार कर रहे हैं, वो गरीब अशिक्षित लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, वो अपनी सुरक्षा अपने तरीके से कर लेता है, क्योंकि वो एक चीज के लिए बिल्कुल जागरूक है कि स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति देवी देवताओं के पाखंड में आकर के, अंधविश्वास में आकर के, गड्ढे ताबीज के उसमें आकर के ये भ्रमित हो जाता है, और वो ये सोचता है कि हम ये जो इस काम कर रहे हैं ये बहुत भगवान हमारी रक्षा करेगा। देखिए, बुद्ध ने कहा था कि भगवान ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आज ये वक्त आ गया है, ये संसार इस बात को मान गया है कि सच में ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। अगर कोई शक्ति है तो प्रकृति की है, और जो जो प्रकृति के नज़दीक है, जितने लोग प्रकृति के नज़दीक हैं, जो प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, प्राकृतिक आचरण में विश्वास करते हैं, वो सब लोग इस तरह की बीमारियों में सुरक्षित रहेंगे और कालांतर में रहते भी रहेंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए। प्रकृति स्वयं अपने आप में एक विज्ञान है, और जो प्रकृति का विज्ञान है वो आपको रोजमर्रा आपकी जिंदगी में आपके सामने होता है। आपने देखा आज पूरे संसार में और भारत में जिसको प्रदूषण की बात करते थे, वायु का प्रदूषण
आप चले जाइए भारत में, आजकल सब जगह वायु का प्रदूषण बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रकृति आज अपने मुख्य रूप में है। अब गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इसलिए किसी भी तरह का वायु प्रदूषण नहीं है, पानी का प्रदूषण नहीं है, नदियां भी साफ हो गई हैं क्योंकि इंडस्ट्री बंद है। तो ये सब जो हमने प्रकृति के साथ मजाक किया है, उसका परिणाम है कि आज प्रकृति अपना रौद्र रूप हमको कभी भी दिखा सकती है, और उसी का कारण है ये कोरोना वायरस। और उससे लड़ने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप में प्रकृति के, जो प्रकृति ने हमें पैदा किया है तो उसने हमारे लिए सब चीज़ें मुहैया भी कराई हैं, हम उनका सदुपयोग करना सीखें, हम उसका गलत तरीके से दुरुपयोग न करें। और आज ये बीमारी से जितना डर सुविधाभोगी लोगों को लग रहा है, उतना गरीब और किसान और मजदूर को नहीं लग रहा है। लेकिन आज किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, मजदूर की मजदूरी गई है, लेकिन किसान के सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि उसने जो फसल उगाई थी वो फसल ही खत्म हो जाएगी, तो पहले तो वो अपना नुकसान कर रहा है, दूसरे जो कर्ज लेकर के उसने उसमें लगाया था, जो अपनी मेहनत की थी उसका भी नुकसान कर रहा है। जिस किसान के यहाँ मजदूर आके मजदूरी करके अपने दो पैसे कमा के अपना घर चलाता था, वो उस मजदूर को भी अपने पास नहीं रख सकता है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में बहुत ही चिंतन, मनन और धैर्य की जरूरत है। इसलिए हमें अपने संविधान के साथ, हमें अपनी सरकार के साथ, हमें विश्व की सरकार जिसे WHO कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके मार्गदर्शन को मानते हुए हम आने वाले समय में कल 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन बहुत सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अनुशासन में रहते हुए, सोशल डिस्टेंस को बनाते हुए हम इसको मनाने का प्रयत्न करें। हम पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा प्रदर्शन न करें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर के भी ये मौका परस्त, गंदा आचरण, वैमनस्यता फैलाने वाले लोग, घृणा फैलाने वाले लोग बाबा साहब के नाम पर आकर के कोई गलत बातें करने लगे। साथियों, मैं लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ, मैं अपने नेता माननीय शरद यादव जी को अपने साथ जोड़ते हुए और अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां पूरे देश के नागरिकों को, उन सब लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सब महिलाओं को, पुरुषों को जो ये चाहते हैं कि मेरा देश सोने की चिड़िया बने, मेरा देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता आए। हमारा संविधान ही है जो समता की बात करता है, और वही समता का आज व्यवहार कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है, जो हमारा संविधान हमें प्रदत्त करता है, उस पर चलते हुए हम बाबा साहब के जन्मदिन को मनाएं और अपने आदर्श नेताओं के मार्गदर्शन को मानते हुए हम अपने लोगों को ये मैसेज दें कि अब किसी भी पंडे पुजारी की दुकान पर जाकर के हमें नहीं पूछना है कि हम किस तरह से देश को बचा सकते हैं, हमारे देश का भविष्य क्या होगा। अब हमें किसी गड्ढे ताबीज बांधने वाले मौलवियों के और उनके चक्कर नहीं काटने हैं, हमें किसी भी ऐसे चरित्र को नहीं अपने आप में अपनाना है जिससे हमारी गरिमा, हमारे देश की गरिमा गिरे और हम एक भय के माहौल में जी सकें। साथियों, एक बात मैं और आपसे बता देना चाहता हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हमें सीख लेनी चाहिए, हम को ये, क्योंकि ये पंडे और पुजारियों का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग सेक्टर है, ये अपनी दुकान से अंधविश्वास और पाखंड बेचते हैं और ये पैदा करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी आज हम भगवान के रूप में देखने लगे हैं, हम उनकी शिक्षाओं को, हम उनके मार्गदर्शन को, हम उनके बताए रास्ते को नहीं चलते हैं। हम दूसरा एक और भी हमारे में आ गया, हम बहाने ढूंढते हैं। अभी तक क्या था, अमूमन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिन लोगों को मानना चाहिए था, जिन अछूतों के लिए उन्होंने काम किया, अछूतों उद्धार का काम गांधी जी से बढ़कर अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो संविधान बना के किया जिससे एक शब्द के साथ ही ये सब चीज़ें मिट जाती हैं। और उनके साथ में रहे जो भी हमारे नेता रहे, बाबू जगजीवन राम का भी नाम इसमें बड़े आदर्श के साथ में लिया जाना चाहिए, उनका भी इसी महीने में जन्मदिन था 5 अप्रैल को, उनके लिए भी मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और 11 अप्रैल को
ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था, उसके लिए भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम अपने समाज और अपने देश के हर नागरिक को ये बताना चाहते हैं कि ये पवित्र दिन जिसमें हम आज हैं, कल हम होंगे या नहीं होंगे, आज की इस विषम परिस्थिति में कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये संविधान रहेगा, आपके सामने ये देश रहेगा, आपके सामने जरूरत इस बात की रहेगी कि क्या आपको ये संविधान उस स्थिति तक आपको सुरक्षा प्रदान कर सका जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शब्दों में लिखा था। ये बिल्कुल भी आप मत मान के चलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा अकेले उन्होंने बैठ के लिखा। हमारी संविधान सभा थी जिसमें लगभग 350 के करीब लोग बाग थे और उन लोगों ने मिलकर के जो चिंतन मनन करके जो दिशा निर्देश तय किए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथ से, उसको कलमबद्ध करके हमारे संविधान को तैयार किया। और इसीलिए यही बात है जो बार बार इस भारत में जब घृणा पैदा की जाती है, जब माहौल को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाता है, जो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग हैं, पंडे पुजारी लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट बना रखा है। अब हमें लड़ाई इसके बाद इन पंडे पुजारियों से लड़नी होगी जो इस देश में अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं। हर नौजवान को ये मानना पड़ेगा कि अगर हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड न रहा होता, अगर हमारे देश में सबको समान शिक्षा दी गई होती, अगर हमारे देश में सबको समानता का व्यवहार दिया गया होता, सबको मौका दिया गया होता, तो आज हम अपने देश को विश्व के माने हुए राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में पाते। हम कभी भी अंधविश्वास और पाखंड में का कारण है कि जब हम कोई भी सफलता लेते हैं, जब कोई भी निर्माण हो जाता है, हमें ऐसे ऐसे पाखंड दिखाए जाते हैं जो भावनाओं से जोड़ दिए जाते हैं। साथियों, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो गलत करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें समाज से अलग किया जाना चाहिए, चाहे वो फिर पंडे हों, पुजारी हों, किसी भी जात विशेष के हों। और इन लोगों ने देश की हर चीज को दूषित किया है, न्यायपालिका से लेके इन्होंने दूषित किया, कार्यपालिका को इन्होंने दूषित कर रखा है, विधायिका को इन्होंने दूषित कर रखा है। अगर इन तीनों जगहों पर इन लोगों का वर्चस्व या इनकी मान्यता खत्म कर दी जाए, इनको रोक दिया जाए, इन पर अंकुश लगा दिया जाए, तो ये विश्व में गुरु बनने में हमें कोई देर नहीं लगती है। लेकिन पाखंड का गुरु मत बनिए, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाला गुरु मत बनिए, झूठ बोलने वाला गुरु मत बनिए, धोखा देने वाला गुरु मत बनिए। विदेशों में जाके आप बात करें कि हम भगवान बुद्ध के देश के लोग हैं, जहां बुद्ध युद्ध नहीं चाहता है, वो ज्ञान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करता है, जिसे लोकतंत्र आप कह सकते हो। और घर आते ही, अपने घर में घुसते ही कहने लगो कि नहीं, मैं तो कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम गीता की बात करता हूं। देखो, ये वक्त है और ये प्रश्न भी है, यदि आप रामायण का प्रदर्शन देखते हैं तो रामायण में सीता का हरण होगा ही होगा। अगर सीता का हरण नहीं होगा तो रामायण नहीं होगी, और सीता का अगर हरण है तो आज हम देख रहे हैं जो बलात्कार की कहानी किस्से हैं, जो नारी का शोषण है, इसका कारण क्या है। अगर महाभारत देखोगे तो वहां द्रौपदी को नंगा नचाया ही जाएगा। अगर द्रौपदी को, अगर आप चाहते हो हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को रोक सकें, तो इस तरह के पाखंडीपूर्ण जितने भी काल्पनिक ग्रंथ हैं उनका अनुसरण करना बंद कर दीजिए। ये काल्पनिक जीवन जीने में आपने अपने देश को, अपने समाज को चरित्रहीन बना दिया है। दूसरा, जो साथी हैं जो बैठे होते हैं घरों में, या समाज के नाम पर जो अछूतों उद्धार की बात करते हैं, जो अछूतों के नेता हैं, अछूतों के मसीहा बनते हैं, और वो कहते हैं कि आज की आने वाली पीढ़ी में नौजवान हमारे साथ नहीं है, नौजवान आपके दोहरे चरित्र के कारण आपके साथ नहीं है, अब आपको 1 महीने 15 दिन का जो टाइम मिला है, आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ में चिंतन मनन करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए, उनके साथ जीना सीखिए कि हम किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए संविधान को पढ़ें, और उसके साथ में अच्छे चरित्र की चीज़ें पढ़ें जिसमें धम्मपद है, भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म का एक ग्रंथ है धम्मपद,
उसे आप पढ़िए, संविधान को पढ़िए, संविधान के साथ में और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको पढ़िए, विज्ञान की चीजों को, क्योंकि आज युग है विज्ञान का, आज युग है शिक्षा का, और शिक्षा नहीं पाओगे तो विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। विज्ञान को समझने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा भी वो होनी चाहिए जो देश के हर व्यक्ति को एक सी मिलनी चाहिए। जो माननीय लोहिया जी कहते थे कि चपरासी राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हमने इसे खोया है, हम पुनः इसे स्थापित करें, हम इस देश की न्यायपालिका में विश्वास पैदा करें, हम देश के न्यायाधीश को देखकर गौरवान्वित महसूस करें, न कि न्यायाधीशों को पढ़कर के चरित्र को देख करके, न्यायाधीशों के व्यवहार को देखकर, न्यायाधीशों के न्यायपाल न्याय के तरीके को देखकर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करें और कहें कि क्या यही हमारे देश का न्याय है, यही मानवता का न्याय है, यही संवैधानिक न्याय है। तो हमें इन सब चीज़ों पर जागरूक होना है, और डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो अपने आप को कॉपीराइट मान बैठे हैं कि मैं ही डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जो कहूंगा वो सच होगा, बोलो ये भूल जाएं, डॉक्टर अंबेडकर किसी एक व्यक्ति एक धर्म की बपौती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के सर्वमान्य विद्वानों में से हैं, इसके विश्व का कोई भी व्यक्ति उनके मानवतावादी समतावादी समाज सोच को स्वीकार कर सकता है, उसका रास्ता अपना सकता है, उनका नाम लेके चल सकता है। ठीक उसी तरह से भारत का हर नागरिक, चाहे वो महिला हो पुरुष हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमें गर्व करना चाहिए उन सवर्ण कही जाने वाली जातियों के लोग, उन लोगों से जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन को हर समय अपनाया, स्वीकार किया और उस पर चलने का प्रयत्न किया। हमें अपने लोगों को, जिन गरीबों ने जिन अछूतों ने शिक्षा पाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बलिदान का जो फायदा उठाया है, उन लोगों को अपना सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, अपने लोगों के साथ में दूसरे लोगों के बीच में भी प्रेम भावना पैदा करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान और आदर करना हमें सिखाना चाहिए। हमको पता है जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं तो भारत का एक धर्म विशेष का व्यक्ति जो अपने भाई को कभी प्यार नहीं करता है। आज मेरा प्रश्न है, अगर आप हमें मानते हो कि हम हिंदू हैं या आप चाहते हो कि हम हिंदुओं के साथ में मिलके रहें, तो क्या किसी शंकराचार्य ने, क्या किसी धर्म के ठेकेदार ने, क्या ब्राह्मण ने, किसी ने सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी मांगी है इस बात के लिए कि ऐ मेरे अछूत भाइयों, हमारे देश में कालांतर में इतिहास बताता है कि तुम्हारे साथ बहुत अमानवीय कृत्य हुए हैं, बहुत अशोभनीय व्यवहार हुआ है, जो व्यवहार हम डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में जो अभी चलचित्र में टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये व्यवहार किन आंखों से, किस हौसले के साथ, किस गौरव के साथ हम आपको गौरव दे सकते हैं जब आपका व्यवहार हमारे नेता के साथ में, हमारे मसीहा के साथ में इस तरह का अभी रहा हो 100-150 साल पहले। सदियों से आपने जो कृत्य किए हैं उसके लिए माफी कौन मांगेगा? अगर तुम नहीं मांगोगे तो ये जनाक्रोश आज नहीं तो कल आपसे ये सवाल पूछेगा, और सवाल का प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब अगर आपने सही नहीं दिया तो आपके साथ वही व्यवहार करेगा जो बदले की भावना का हो जाता है। आज तुम्हारे नेता लोग, मंत्री लोग बात बात पर ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे, हम कपड़ों से पहचानेंगे लोगों को, हम उनकी हालातों से ये पहचानेंगे। हम देख रहे हैं पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ते हुए आपकी इस ओछी मानसिकता से भी लड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। आज गरीब अगर अपने घरों में मजबूर होकर के बैठा है, वो एक आक्रोश को दबा के बैठा है। कोरोना वायरस सबके लिए आया है और सब उससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के साथ में जो आप अपना अशोभनीय व्यवहार, घृणा का व्यवहार जो समाज में दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसे हमें रोका जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बहुत ही नम्र भाषा में देश के सामने हाथ जोड़कर इस बात को कहना चाहिए कि मेरे देश के देशवासियों, देश पर एक ऐसे संकट की घड़ी आई है जिसमें अपने अंदर बैठे हुए
अहंकार, अपने अंदर बैठे हुए अशोभनीय व्यवहार, अपने अंदर बैठी हुई घृणा को समाप्त कर, एक दूसरे को छोटा और बड़ा बताने वाले व्यवहार को खत्म कर, एक दूसरे के साथ में अपमानजनक व्यवहार करने वाले, एक दूसरे का शोषण करने वाले लोग बाग एकजुट एक भावना से प्रेम के साथ इकट्ठे होकर अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा और उस विश्वास से ही हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगे। अन्यथा ये हमारे लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि अब राज खुल चुका है, अब राज खुल चुका है, अब न कहीं कोई भगवान है, न कोई ईश्वर है, न कोई ईश्वरी शक्ति है जो हमें इस वायरस से बचा सके। हमें इस वायरस से कोई बचाएगा तो वो बचाएगा हमारा ज्ञान विज्ञान, हमें मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल एडवाइस, मेडिकल जो हमें, और मेडिकल का चिकित्सा का मतलब है आज की तारीख में जो सबसे सर्वोच्च आगे आई हुई चिकित्सा पद्धति है उसके मार्गदर्शन को मानते हुए हम अपने अंदर अगर पैदा कर सकते हैं सच में कोई आयुर्वेदिक औषधि इस तरह की है या आयुर्वेदिक व्यवहार इस तरह का है उसका हम आचरण करके हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई के जीतने के साथ अब सवाल उठेगा, क्या इस देश को बर्बादी के लक्षण अंधविश्वास और पाखंड कर रहे हैं, असमान शिक्षा रही है, असमान तरीके से एक दूसरे के प्रति घृणा फैला के व्यवहार रहा है, इसको भी खत्म करने के लिए अब ये नौजवान कमर कसेगा। क्योंकि अब माध्यम इतने नजदीक आ गए हैं कि अगर इस तरीके पर देश चला तो और भी बर्बाद हो जाएगा। और अब इस देश को अग्रणी देश बनना है, विश्व गुरु बनना है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए इसे ईमानदारी से सच बोलना सीखना पड़ेगा, समता की बात करना पड़ेगी, समानता का व्यवहार करना पड़ेगा, समान शिक्षा लानी पड़ेगी और ये शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए समान खोले जाएंगे। अब ना कोई टाटा होगा ना कोई बिरला होगा, इंडस्ट्री में बने जाइए, हम नहीं कहते कि बिजनेस में आपके हम बिजनेस के हिस्सेदार बन जाएंगे, बिजनेस तो आपका हमसे ही है, आखिर में मार्केट तो हम ही है, गरीब ही है, लेकिन शिक्षा अब किसान के बेटे को भी, शिक्षा मजदूर के बेटे को भी, और शिक्षा अब कलेक्टर के बेटे को और इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को भी एक समान देनी होगी। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो इस देश में नई क्रांति पैदा होगी, और वो नई क्रांति क्या होगी उसका परिणाम अब विश्वव्यापी होगा, वो नई क्रांति का परिणाम विश्वव्यापी होगा। क्योंकि अब इस तरह की आपदाएं, इस तरह की बीमारियां ये बार बार आती रहेंगी, क्योंकि विश्व का वातावरण आपने गंदा कर दिया है, प्राकृतिक वातावरण गंदा होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज भी आदिवासी समाज को इसका उतना डर नहीं है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, अपने तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उन्हें प्रकृति के साथ में उनका लगाव है, इसलिए प्रकृति का जो प्रकोप होगा वो सिर्फ उसी वही उन पर असर कर पाएगा, किसी भी तरह की असावधानी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं करेगी। तो साथियों, मैंने जो बातें कही हैं वो आत्मचिंतन की बातें हैं, सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपना दोहरा चरित्र बहुत हो गया, आप धोखे से राजनीति करने की बातें बहुत हो गई, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को अब ईमानदार होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भगवान नहीं है जिसे बांट दोगे, तुम्हारे सामने कोई इस तरह का अल्लाह नहीं, मजहब नहीं है, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या कोई अन्य धर्म हो, जिसमें आप अंधविश्वास और पाखंड की बात करके समाज को बरगला पाओगे। अब आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, धर्म हमको जीने का तरीका सिखाता है, धर्म हमको अपने चरित्र के निर्माण की बात करता है, धर्म का मतलब दूसरे से घृणा फैलाना नहीं है, ये अब आपको अकल खोल के समझ में आ जानी चाहिए, वरना कोरोना जैसा एक आज और आएगा, इन भगवानों का भगवान बन जाएगा और आपकी स्थिति क्या होगी। आप देख रहे हैं पूरा संसार इस समय अपने घर में दुबक के बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि सुरक्षा इसी में है कि हम उससे डर के रहें, उसके सामने अगर सीना तान के खड़े हुए तो हमारा कहीं पता ठिकाना नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। साथियों, कड़वी बातें हैं लेकिन ये सच बातें हैं, और इस सच के साथ हमें अपने भारत को महान बनाना है, और भारत को महान बनाने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत है।
एक है हमारी शिक्षा जो ईमानदारी से वैज्ञानिक होनी चाहिए, अंधविश्वास और पाखंड से दूर होनी चाहिए। दूसरी है हमारे यहाँ समता की बात करने का, जो न्याय से लेकर के सोशल जस्टिस, संपूर्ण न्याय, हर स्तर पर न्याय, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सड़क पर चल रहे हो, सामाजिक न्याय सबको चाहिए और बराबरी का हक चाहिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मानवीय मूल्यों का पूरा न्याय उसे चाहिए ही चाहिए। आप उसे अगर रोकोगे तो परिणाम उसके खराब होंगे। तीसरा है हम सब लोगों को अपने संविधान, अपने देश के नेता, हमें प्रशासनिक व्यवस्था, ये सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी और हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इन्हीं सब बातों के बीच मैं आप लोगों से पुनः अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल, अपने नेता माननीय शरद यादव जी के साथ और अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ आने वाले 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां आपको देता हूं। हमारा देश कोरोना वायरस से लड़कर आगे बढ़ सके और हम अपने देश को सशक्त देश बना सके, अपने भारतीयों का स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, इसी कामना के साथ में जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारत।